और अगर लोड शेडिंग हो तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी ये उनका वादा है कि तमाम पाकिस्तानियों को रेकॉर्ड ब्रेकिंग बिलों का तोहफा दिया जाएगा जिसकी स्पेशल गिफ्ट रैपिंग होगी बेरोजगारी से वी होप यू लाइक इट लेकिन कसम से बातें तो होती रहेंगी ये जो हमारी करंट इकोनॉमिक कंडीशन है ना ये किसी कॉमेडी शो से कम नहीं है जिसमें हम सब वो ऑडियंस हैं जिनको सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिल रहे हैं लेकिन पता नहीं ये शो आखिर कब खत्म होगा महंगाई इन्फ्लेशन अगस्त में 27.4 परसेंट से अब 31 परसेंट भी बार कर चुकी है लेकिन देखिए ये हमारी क्रिएटिविटी का इम्तिहान है ये जो बढ़ती महंगाई है ना इसने सबके बंद जेनों को हाई फंक्शनिंग कर दिया है घर घर से एक्सपर्ट्स निकल रहे हैं किस चीज़ के बजटिंग और फाइनेंशियल एक्रोबेटिक्स के बचत कैसे करनी है इसके नए नए इनोवेटिव तरीके सोच रहे हैं सारे पहले बिजली के बिल की बात करते हैं पिछले तीन महीनों में बिजली डबल हो गई सप्लाई नहीं कीमत अब बताएं क्या हमें वाकई इतनी जरूरत है बिजली की ये जो आपके साथ सारे गेमें खेल रहे हैं आप भी उनके साथ गेमें खेल रहे हैं बाप के इलेक्ट्रिक क्या छुपन छुपाई तो चल रही है बिजली आई बिजली गई बिजली आई बिजली गई परेशान नहीं होना ये एक चैलेंज की गेम समझो आप इस गेम का नाम है सर्वाइवर इसमें बहुत से क्वालिटीज और स्किल्स आपको सीखने को मिलेंगे जैसे कि हु कैन गो द लॉन्गेस्ट विदाउट टर्निंग ऑन द ए और फैन लेट्स फाइंड आउट अब कौन ऑफिस 25 किलोमीटर वॉक करेगा और ऑफिस से वापस 25 किलोमीटर घर आएगा क्योंकि बाइक और गाड़ी पर तो फ्यूल लगता है और बस पर टिकट लगती है वॉकिंग चैलेंज कौन सबसे तेज़ वेट लूज करेगा ना खरीदो राशन ना लो टेंशन डाइट की डाइट बचत की बचत बुरे तो मानने की कोई बात नहीं है कभी आपने सोचा कि हज़ारों साल पहले बिजली और इन आसाइशों के बगैर लोग रहते थे हम क्यों नहीं रह सकते अपने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दे सकते आप लोग और मेरी जान बेरोजगारी इस पर आप बातें करते हो क्या आपको मज़ा नहीं आता जॉब हंटिंग में है वैसे ही इतने ज़िंदगी में दुख हैं कम से कम रोज़ाना आपको रोज़ एक ट्रायर हंट जैसी गेम तो मिल गई है ट्रायर हो गया आपका नौकरी और सैलरी जो पता नहीं कब और कहां से मिलेगी लेकिन इस थ्रिल में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं और इस थ्रिल का मज़ा हमारी पाकिस्तानी आवाम ले रही है लेकिन क्रेडिट देना चाहिए जहां पर क्रेडिट ड्यू हमारे प्यारे मुल्क के जो लीडर्स हैं ना ये कुछ और कर सके हो या ना कर सके हो इन्होंने एक खास स्किल ज़रूर हमारी आवाम को दे दिया इन्होंने हमारी आवाम को इनोवेटिव सेल्फ़ रिलायंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स बना दिया और इस चीज़ की भी इन्होंने हद कर दी इसी नोट पे मैं इस बात को ख़त्म करूँगा लंबी ना हो जाए कॉन्ग्रेचुलेट करके हमारी गवर्नमेंट को कि इन्होंने हमारी इकॉनमी को एक ऐसे शो में कन्वर्ट कर दिया जिसमें मिशन इम्पॉसिबल और जो सैफ भाई की रेस मूवी थी ना उससे भी ज़्यादा थ्रिल्स और ट्वेस्ट था <laughs> तो अपनी नशितों पर बैठ जाएँ कुर्सी की पेटी बांध लें और इन्जॉय करें आंसुओं को पीछे छोड़ें और अपने हालात में से ही कॉमेडी निकाल लें क्योंकि हम सब इस रोलर कोस्टर राइड में साथ ही हैं और सफर कर रहे हैं इंग्लिश वाले तो ये बातें तो होती रहेंगी हम शो को आगे लेकर चलते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के मेहमान को जो एक ऐसे पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर हैं बैट्समैन हैं जिनके आते ही अगली टीम डर सी जाती थी प्लेयर्स तो अपने पूरे करियर में इतने रन नहीं बनाते जितने रिकॉर्ड बना लिए इन्होंने तो आपकी भरपूर तालियों में आपकी मोहब्बत के साथ जोशो जज्बे में बुलाना चाहूंगा एंड ओनली मोहम्मद थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो यूसफ भाई आज से नहीं इतने सालों से इतना जो आपको प्यार मिल रहा है और आज भी आपके आने से पहले जिस तरह ये एक्साइटेड थे कैसा फ़ील करते हैं जब इतना इस आवाम से आपको प्यार मिलता है आ, सबसे पहले तो बिमिल रीम अमैकूम ये सब कौम की दुआएं होती हैं तो हम लोग परफॉर्म करते हैं इन सब की मोहब्बत होती है तो हम लोग इतना अच्छा खेलते हैं खेलना तो सारे ही चाहते हैं अच्छा लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छा खेलते हैं ये सब ये भी हैं और जितने भी लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हैं ये सब अपनी टीम के लिए दुआएं करते हैं जिसकी वजह से हम आगे अच्छा खेलें तो अगर मतलब क्रिकेटर प्रैक्टिस करना छोड़ दें इनकी दुआओं पे काम चल जाएगा नहीं ये नहीं हो सकता तुसी किया ना, ना दुआ तो ये नहीं, नहीं हो ये नहीं हो सकता अच्छा ऐसे भी नहीं है वैसे अल्लाह चाहें तो ये भी कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस कोशिश मेहनत ये करनी करनी है

क्योंकि हम लोग बहुत गरीब घर आने से थे और हमारे पास तो बैट खरीदने के भी पैसे नहीं थे बॉल खरीदने के भी लेकिन मैं और मेरे बड़ा भाई दोनों को शौक़ था क्रिकेट खेलने का तो मेरा ख्याल है कि मैं उस टाइम आठ नौ साल का होऊंगा अच्छा तो वो एक कपड़े धोने के डंडा होता था घर वालों का उससे मार पड़ती थी हाँ मार भी पड़ती थी और लेकिन उससे खेलते भी थे पहले टेबल टेनिस का बॉल और उस पर टेप करके खेलते थे टेबल टेनिस के हाँ उस पर टेप करते थे डबल टेप करते थे ताकि वो थोड़ा हैवी हो जाता थोड़ा बड़ा हो जाता उससे रोड पर खेलते थे ये जो आम लोगों के आने जाने के लिए रोड होती है ना उस पर खेलते थे तो वो ऐसे रोड सीधी जाती थी ग्राउंड की तरफ तो वहाँ एक जो क्लब थी कारसन ग्राउंड में वो गोल्डन जिम खाना उनके एक बानी थे हाजी बशरन चुग्त साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे उन्होंने देखा खेलते हुए उन्होंने कहा बेटा आप ग्राउंड में आया करें तो मैंने और मेरे भाई ने कहा जी हम ग्राउंड में तो उसके लिए शूज़ चाहिए किट चाहिए ये सारी चीज़ें हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ये और हम ले भी नहीं सकते तो उन्होंने कहा आप आए अल्लाह बेज़र करेंगे खैर चले उन्होंने कुछ चीज़ें अरेंज करके उन्होंने अपनी तरफ़ से दी और वो मैं कुछ तकरीबन दो तीन साल सिर्फ़ जो है शाम को आखिर में को एक आधा ओवर खेलने को मिलता था जब नेट ख़त्म होने वाला होता था तो वो ये दो तीन साल मैं करता रहा हूँ और दो तीन साल के बाद ऐसे अचानक उन्होंने एक दफा कहा मुझे कि आप आज ओपनर जा रहे हो अच्छा तो मैं ओपन चला गया उस दिन अल्लाह ने मेरे से फोर्टी फाइव रन करवाए उसके बाद मैं उस टीम का रेगुलर ओपनर हो गया और फिर मैंने वापसी मुड़ के नहीं देखा ये आपके सामने फिर आगे का सफर देखिए आपके लिए सीखने का मौका है स्विमिंग करने गए थे और पैर में शीशा लग गया हाथ टूट गया लेकिन फिर भी एक हाथ पीछे करके बैटिंग करते रहे इतनी कमिटमेंट इतनी डेडिकेशन से आई मैच हो रहे होते थे तो मैं छोड़ता नहीं था मैच पुरजे टूटे हुए हैं लेकिन आप खेल रहे तो पुरजे टूटने से हिम्मत हार गए तो फिर पीछे रह जाएंगे पैर पे शीशा कैसे लग गया था आपके वो क्योंकि उस टाइम हम स्विमिंग तो कर नहीं सकते थे, नहर में नहाते थे तो नहर में लगा अच्छा आपने नहर में खिलांग डाइप मार जाते थे सब हम अपने दोस्त जो थे सारे नहर पे जाके नहाते थे ये बहुत पहले की बात है और जल्लो जाते नहीं थी, एक थी। जगह पे जाँग लग जाँग लग जाँग, लग हमने सुना कि जो अंकल थे आपके वालिद साहब वो भी आपको बड़ा सपोर्ट करते थे आपके जब आप खेल रहे होते थे तो ग्राउंड में वहां पे होते थे आपके पाव जो मेरे घर के करीब ग्राउंड थी वहाँ मैच देखने आते थे जहाँ कहीं बाहर जब मैच होता था मालटोन में या उस टाइम आ, ये पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड होती थी इस तरफ कैंपस की तरफ कैंपस की तरफ तो उसमें जब दूर मैच होते थे फिर नहीं आते लेकिन करीब वाले में आते थे और हालांकि हम लोग बहुत गरीब थे लेकिन मेरे वाल्दैन ने कभी भी मुझे खेलने से मना नहीं किया था ये पार? मैं और मैं आज जहां हूं अपने वाल्दैन की वजह से हूं क्रिकेटर ना होते तो दर्जी का काम टेलरिंग का भी इरादा था और 3-4 दिन जाके का काम सीखा भी नहीं तीन महीने तीन महीने सीखा जी, मतलब पूरा जी में रहते थे सारे क्रिकेट खेलते थे लड़के वो एक क्लब थी वहाँ यूनिवर्सल क्लब काफी मशहूर क्लब अच्छा। आपने हमारे पुराने क्रिकेटर वहां से निकले फजल महमूद साहब वहाँ के हैं एक आसिफ महमूद साहब होते थे वो भी वहां से थे अच्छी क्लब थी वो तो मैंने क्रिकेट छोड़ दी हुई थी क्योंकि हालात ठीक नहीं थे तो मैंने खुद ही क्रिकेट छोड़ दी घर वालों ने नहीं मुझे कहा लेकिन मैंने खुद ही छोड़ दी तो मैं ये टेलरिंग का काम सीख रहा था तो वो एक दिन आए मेरे घर में उन्होंने नॉक किया रात को तो उन्होंने कहा कल हमारा मैच है तो हमारे लड़के कम हो गए हैं उनका एक लड़का कम हो गया तो मैंने कहा मुझे तो तीन चार महीने हो गए मैंने क्रिकेट खेली नहीं मैं तो ये काम सीख रहा हूँ तो उन्होंने कहा हमने लड़के पूरे करने हैं तो मैंने कहा यार किसी को भी ले जाओ मैं तो खेला ही नहीं कह रहे नहीं वो पूरे करने जिन्हें कुछ ना कुछ तो आता हो ना तो उनका कोई टूर्नामेंट का मैच था हमारा मैच था हमारा नेशनल बैंक के खिलाफ क्रिकेट सेंटर ग्राउंड है मॉल टाउन में तो मुझे ले गए मैंने घरवालों से तो पूछा उन्होंने कहा शौक है खेल लो एक मैच में चला गया सुबह तो जब गए तो उन्होंने मैं पूछा किस नंबर पर खेलेंगे मैंने कहा मैं चार महीने तीन महीने में क्रिकेट नहीं खेली जिस नंबर पर भेजो मैं चला जाऊँगा खैर टॉस हुआ बैटिंग हमारी आई मेरा नंबर उन्होंने पाँचवा लिख दिया मिडिल ऑर्डर पर हाँ मिडिल ऑर्डर तो वो ऊपर से हमारे तीन आउट जल्दी हो गए पच्चीस तीस पर तो मेरे से अल्लाह ने 125 उस दिन वन ट्वेंटी फाइव करवा दिया अच्छा अब वो जो उस टीम में एक साहब होते थे बाबर भट्ट वो उस टाइम लड़कों को इंग्लैंड लेके जाते थे तो जब मैंने वन ट्वेंटी फाइव किया तो शाम को वो आए तो मेरे से मुलाकात हुई उनकी तो उन्होंने मैं कहा इंग्लैंड लीग खेलोगे तो मैंने कहा अंधों को और क्या चाहिए आंखें तो वो मिल रही हैं मैं कहीं ज़रूर जाएंगे तो उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको सिर्फ जगह वो रिहाइश मिलेगी खाना मिलेगा आप खेलें मैंने कहा ठीक है खेलेंगे और फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि यहाँ तो सौ कर लिया वहाँ करोगे तो फिर बताना अच्छा हाँ। उन्होंने चैलेंज किया था बड़ा सऊ है चैलेंज सही था वहाँ टफ़ होता है इंग्लैंड में अर्ली ऑन जा खेलना अप्रैल मिड में काफ़ी सर्दी होती है तो मैं जब गया वहां अल्लाह ने वहां भी सेंचुरी करवाई पहले मैच में उस वक्त जो हमारी मुखालिफ टीम थी उसमें इंडिया का वो प्लेयर लक्ष्मण लक्ष्मण था उनकी टीम में बीवीएस लक्ष्मण और साथ मैथ्यू था ये भी टेस्ट खेला बाद में एक मुंडा आ गया लोरों वो भी वो भी नए थे, थे वो भी नहीं खेले हुए थे ना वो इंडिया की तरफ से खेला था लेकिन वो इस सीरीज के इस सीजन के बाद वो खेल गया था इंडिया की तरफ से मैं उससे अगले सीजन के बाद खेल गया था पाक, पाकिस्तान की तरफ से मैथ्यू हॉगर्ड मेरे से दो साल बाद खेला था. तो हम तीनों इंटरनेशनल क्रिकेट खेल गए थे टाइम पे और कभी बारे. किसी टूर पे स्लिप होने का भी इरादा किया फिर सुना घर वालों ने बुला लिया ना स्लिप होने का मतलब पता है ना आपको बाथरूम में स्लिप होने की बात नहीं कर रहे पता है ना इंग्लैंड में स्लिप होने का पता है इंग्लैंड में स्लिप होना क्या होता है पता इीगल वार है वापस घो नहीं जाना मैं इधर ही यहाँ

जी जरूर जी अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका नाम फातिमा फातिमा क्या करती हैं आप मैं पढ़ती हूँ बड़े होके क्या करना चाहती हैं बड़े होके डॉक्टर बनना है इस चीज का ऑर्थोपेडिक बनना है हड्डियों का जी हमारे क्रिकेटर्स को बड़ी जरूरत पड़ती है जी काफी हमारे क्रिकेटर्स को तो इंजरीज में अभी दो प्लेयर अनफिट हुए हैं दो प्लेयर आप नसीम और वो जो एहसान जल्दी और आपकी। सवाल, क्या पूछेंगी? मेरा आप सवाल था कि आपकी और इन भाई की पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगती थी तो जब इन भाई रन आउट होते थे तो वो ड्रेसिंग रूम में जाके क्या कहते थे अरे कोई ऐसे गुस्सा नहीं करते थे आज का कोई बहुत ज्यादा मैच ऐसा उस वक्त कुछ हो जाए ऐसा तो एक बार हुआ था ऐसे इंडिया में मैच था हमारा विशाखापट्टनम में ये 2005 की सीरीज़ थी रजाक खेल रहे थे और इंजी भाई नॉन स्ट्राइक रैंड पर थे बॉल पीछे गया तो कॉल इंजी भाई की है वो भागे अब्दुल रजाक ने क्रीस ही नहीं छोड़ी आ? वो रनआउट हो गए इंजी भाई और ऑलरेडी एक मैच हम हारे हुए थे इंडिया में वनडे तो जब वो बाहर आ रहे थे अ, अब ओबियसली गुस्सा आना चाहिए क्योंकि इंडिया के ख़िलाफ़ हारना और पूरी कॉम नाराज़ हो जाती है पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी वो नाराज़ होते हैं तो वो कैप्टन भी थे तो जब बाहर आए इतने गुस्से में उन्होंने बैट मारा ना एक दो प्लेयर्स के यहाँ से गुजरा है वो वो गुस्सा कम करते थे लेकिन जब करते थे तो बड़ा हैवी गुस्सा होता है रजाक भाई ग्राउंड में ही रहे अगले दो दिन नहीं नहीं रजाक बा, बाद में वो थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाते थे, थे कोई ऐसा मसला नहीं था लेकिन गु़स्सा कभी कभार करते थे कभी या हर वक्त नहीं अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम क्या हाल है आप मैं ठीक अल्लाह का शुक्र है आप सुनाएं क्या सवाल है आप मेरा सवाल सर से ये है कि आप अपने करियर पर करियर के पीक पे थे तो देन आप टीम से एकदम आउट हो गए तो क्या एक और सवाल यह है कि क्या आपको आपकी रिटायरमेंट अपनी मर्जी से मिली थी आ, नहीं रिटायरमेंट मेरी मर्जी से नहीं थी मैं अभी तीन साल खेल सकता था और वर्ल्ड कप भी खेल सकता था लेकिन ये सारी चीज़ें अल्लाह के हाथ में अल्लाह की तरफ से शायद मंजूरी नहीं थी

Oh. तो वो क्योंकि मैं कैरियर का स्टार्ट था मैं 98 में डेब्यू किया 99 में ये टेस्ट सीरीज़ ये वर्ल्ड कप था तो मेरी इतनी ज़्यादा उस टाइम फिटनेस अच्छी नहीं थी नहीं। 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 क्यों उस वक़्त इतना रुझान भी नहीं होता था फिटनेस का दो तीन लैब किए स्ट्रेच किया फील्डिंग की बैटिंग की ख़त्म अब तो एक साइंस है अगर आप एकेडमी में आएँ तो दो तीन ट्रेनर हैं पूरा जिम है स्विमिंग पूल है पता नहीं क्या क्या है अब तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी उस वक्त इतनी फैसिलिटीज नहीं थी मैं यंग था नया था तो एकदम मेरे उस मैच में एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी फील्डिंग करते उस टाइम बॉलिंग इतनी ज़्यादा आती तो नहीं थी सही पहन के चले जाती कोशिश <laughs> थी <laughs> मेरी वैसे और टांगों तक ऊपर नहीं नीचे पहनता लेकिन उस पर बॉल्स इतनी ज्यादा आती नहीं थी क्योंकि कंडीशन टफ होती थी हमारी बॉलिंग बॉल स्ट्रॉन्ग बॉल थी वसीम बकार बकाश तो ये इतनी बॉलें आती नहीं थी सर्कल से बाहर तो कोई पाँच छः ओवर बाद एकदम बॉल आया मेरे पास तो मैंने स्प्रिंट लगाई तो मेरी हैमस्ट्रिंग जो थी वो फट गई तो वो पे ठीक होने में जितना टाइम लगा उतनी देर में फाइनल आ गया था मुश्किल हो गया था फिर फॉर्म अच्छी थी मेरी ये भी पता चल गया वेरी गुड क्वेश्चन आई जी नेक्स्ट आ, तो आ, 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 जी मेरे भाई सर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने पाकिस्तानी टीम की कोचिंग भी की है तो किस प्लेयर को आप अपना मैच विनर समझते हैं किस प्लेयर को आप अपना मैच विनर समझते हैं यही है देखिए एज कोच तो मेरे सारे प्लेयर मैच विनिंग होने चाहिए और होते भी हैं कोई ना कोई कोई भी मैच जितवा सकता है ये टीम गेम है लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं जैसे बैटिंग में बाबर है बॉलिंग में शाह है बॉलिंग हमारी हमेशा जिसको कहते हैं कि वो आगे ही होती है एक स्टेप शहीनशाह है नसीम है हारिस है हसन बहुत अच्छा बॉलर है हमारा तो बॉलिंग में हमारे पास काफ़ी ऑप्शन है बाबर बाबर बैटिंग में है तो ये इन लोगों ने काफ़ी मैच हैं पाकिस्तान मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपके टाइम पे कौन सा ऐसा बॉलर था कि आपको जिससे लगता था कि इसको फेस थोड़ा काम ही करना पड़े ओ वैसे तो काफ़ी थे लेकिन मुरलीधरन में ऐसे नहीं समझ आता था वो उसके उसके हाथ का एक्शन कुछ अजीब सा था बस पता नहीं क्या करता था यूं करके वो इधर से मेरा तो कंधा ही खिंच मैं करूँगा हाँ। हाँ। बड़ा फ्लेक्सिबल था आ, मेरा ख्याल है इस दौर में होता तो शायद बैन हो जाता हाँ मुझे लगता है इतनी लग... ले ली थी उन्होंने नहीं नहीं और रीजन की वजह से विक्टों की वजह से नहीं वो जब आप बैंड कर देते ना इसको तो ये बैन है आजकल जैसे हमारा सईद अजमल बैन हुआ है और भी कई लोग दुनिया में बैन हुए हफीज़ पर बैन लगा था वो इसलिए कि आपका 15 डिग्री से अगर ज़्यादा हाथ बैंड होता है तो आप अलाउ नहीं और ये वाक सही किया है ने क्योंकि इसमें यह है कि जो सामने बैटर हो उनके लिए मुश्किल होता है आ, कि आप एक उस पेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मुश्किल हो जाता बात शायद यही वजह थी कि उन्होंने इतनी बिकटें ले ली आप हो सकता है लेकिन उस वक्त ये रूल नहीं था अब ये रूल है ये बेहतर रूल है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक आए जी नेक्स्ट क्वेश्चन अल्लाम वाईक सर जब आप खेलने जाते थे तो मतलब कौन सी ऐसी टीम थी जिसे देखकर आपको मतलब ऐसे लग फील होता था, था कि आपकी कहाँ पे टांग रही हैं <laughs> <laughs> कौन सी ऐसी <laughs> नहीं टांगें तो नहीं कामती थी लेकिन अच्छी टीमें थी ऑस्ट्रेलिया थी साउथ अफ्रीका थी उस टाइम पे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बहुत ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका दोनों टफ थी उसका ये दोनों टीमें टफ टाइम देती थी आपकी ऑस्ट्रेलिया टीमें किसी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी ब्रैडली बहुत अच्छा था मेगरा अगर देखा जाए तो गिलक्रिस्ट बहुत जबरदस्त आदमी था ये इनकी टीम अगर वो ग्राउंड के अंदर बहुत सख़्त थी लेकिन ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे लोग थे ग्राउंड में जाते साथ ज़ोन चेंज।, चेंज कोई बख्शीश नहीं और स्विच ऑन ऑफ अस्सलाम वालेकुम और सलाम कैसे हैं आप ठीक ठाक आप सुना क्या नाम है आपका मैं ठीक हूं लक्शुकर नाम आपका ठीक है

तो वो कहते हैं कि वापस आ सकता हूँ मुझे आना चाहिए या वो कह रहे हैं क्या हूँ लेकिन उनको नहीं सिलेक्ट किया गया तो आप क्या समझते हैं कि अगर वो एक अच्छे बॉलर हैं एक आपका भी एक एक्सपीरियंस है तो उनको लाना चाहिए था या नहीं लाना चाहिए तो देखिए वर्ल्ड क्लास बॉलर है इसमें तो कोई शक नहीं <laughs> और खिलाना ना खिलाना ये सिलेक्टर्स का टीम मैनेजमेंट उनका उनके हाथ में है अगर आप आप रहते... क्या समझ रहे किस वजह से नहीं ले रहे उसको आप बताएं क्यों आपको लगता है आपको क्या लग रही वजह क्या लग रही है आपको

फिर तो आप कोई ऐसा स्टेप ले तो अच्छा लगता है अगर वो खिला रहे हैं फिर स्टेप लेना ये सही नहीं है क्योंकि वो आपको खिला रहे हैं कोई मेरा नहीं ख्याल आमिर को कोई बिठा सकता है आमिर को कोई अगर वो उस टाइम खेल रहा था तो कोई भी मैनेजमेंट कैप्टन उसको नहीं बिठाएगा क्योंकि वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो वक्त आ गया एक छोटी सी ब्रेक लेने का तो आपने कहीं नहीं जाना चाय कॉफ़ी पीनी है पी लें लेकिन चैनल चेंज नहीं करना हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे कीप वॉचिंग हद कर दी वो मोहमन सात वेलकम बैक यूसुफ भाई के साथ इन मजे मजे की बातों को लेकर चलते हैं आगे मुझे बताएं कि जब आप पहले टूर पे गए थे तो लाला के रूममेट बने थे और लाला को आपने कुछ नसीहत भी दी नहीं उसने मुझे दी थी क्या वो नहीं बता सकते दे प्लीज <laughs> नहीं नहीं वो नहीं बता सकते नसीहत अच्छी बातें की थी उसने वैसे तो फिर क्यों नहीं बता सकते लेकिन ये वो दोनों ही हम इस तरह नहीं थे लेकिन ये कि मैं बिल्कुल नया था वैसे आम चीजें जो समझाते हैं ना कि नया लड़का आता है तो कोई सीनियर है मेरे से सीनियर था दो साल तो मुझे समझा रहा था कि पैसे संभाल के रखने हैं ऐसे फजूल खर्ची नहीं करनी अच्छा और इधर उधर नहीं जाना गेम पे फोकस रखना डिसिप्लिन रहना अच्छी चीज़ें बताई थी लाले ने क्या बात है एक दफ़ा इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे सारे बड़े फील्डर्स करीब करीब थे और मोहम्मद कैफ ने आपको कुछ कहा और आप फिर आउट हो गए ये क्या कहानी है आप आउट तो वैसे भी हो सकता है उसके कहने का तो मसला नहीं था लेकिन ये होता है फील्ड में अगर टेस्ट मैच खेल रहे हो

बायो सीरीज तो उनको जीतने ही नहीं देते थे वो वर्ल्ड कप एक ऐसा आता है मैच वो जीत जाते थे कहीं से वो टीम इतनी अच्छी नहीं होती थी उनकी हमारे मुकाबले में ये वो जीत जाते थे लेकिन बायो लेटरल सीरीजें सारी हमने जीती और शुब अख्तर क्या वो भी शरारती थे चेढ़ने में काफ़ी शुेब अख्तर हाँ शुब अख्तर एक करैक्टर है अच्छा वो बखतर? क्या मतलब मैं मतलब शुब अख्तर एक आप शुरू से देखें ना वो एक ब्रांड ही समझें उसको वो एक अजीब चीज़ है मैं मतलब बॉलिंग में वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था पेस उसकी देखें उसका रनअप देखें जो वो चीज़ कर रहा होता था वो अच्छी लग रही होती थी उसको ऐसा करेक्टर है वो और अक्सर उसने कोई बातें की हैं जो पूरी हुई हैं बाद में जैसे एक पार्टी में हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे पांच छह लड़के तो कुछ लड़के आए ऑटोग्राफ लेने के लिए तस्वीरें उतरवाने के लिए वो सकलैन और फ्रीदी से ले रहे थे मैं अभी बिल्कुल नया था मैं मैच ही एक दो खेला हुआ था शेब भी एक दो ही मैच खेला हुआ था मेरे को इतना जानते नहीं थे लोग तो उन्होंने आगे ना शुएब के पास आके कहा कि ये कौन है अच्छा हाँ शुएब के बारे में तो उसने कहा बेटा जान जाओगे अच्छा शोएब अख्तर के साथ क्रिकेटर्स थे लड़कों ने आके उनसे तस्वीर ली और कहा कि ये कौन है शुएब अख्तर को देख के तो आगे से भाई ने कहा जान जाओगे बेटा जान जाओगे तुम और दो दिन बाद कोलकाता टेस्ट मैच शुरू होता है उस टेस्ट मैच में जो उसने दो बोल्ड मारे थे उसके बाद वो बच्चा नहीं पूरी दुनिया जान गई थी कि शुएब अख्तर कौन है तालियाँ

बैट्समैन बहुत ही हल्का था आ, आ, आ। और उसका नाम मुझे भी नहीं पता कौन है लेकिन आपने उसको जिसका नाम है तोले बगैर बोलो हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल आपने देने जल्दी जल्दी उनके जवाब इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर कौन है टफ है शहीन शाह आपके दौर में टीम का बदमाश कौन था ग्राउंड में या बाहर दोनों दोनों का बताएं ग्राउंड में यार लगता था वो खतरनाक अख्तर अच्छा और बाहर बाहर महमूद फुल फुल वो तगड़ा आदमी था और हर वक्त रेडी टू फाइट चाहे सामने पांच बंदे भी हो लड़ पड़ना है, है? हाँ। बड़ी बात किसकी कैप्टनशीप में खेलना सबसे आसान और किसकी कैप्टनशीप में खेलना सबसे मुश्किल था आसान एन जी के बहुत था बाकी ये है कि मुश्किल वाला कोई भी नहीं था ओके okay. ठीक थे सब और सब ठीक थे तीन चार कप्तान ऐसे थे जिनमें मज़ा आया खेलने में वसीम भाई थे उसमें मोहन भाई ओके okay. राशि लतीफ बिल्कुल ठीक है है करंट पाकिस्तानी टीम में में कौन है जिसको अपनी गेम में की ज़रूरत है फखर को बहुत जरूरत है वैसे तो हर प्लेयर को जरूरत होती है मैं अभी भी कोशिश करता हूँ चीजें सीखने की कौन सा कोच पाकिस्तानी टीम के लिए सबसे कम फायदेमंद साबित हुआ ओह सबसे कम मैं हा वकार भाई ओके okay. हमारी क्रिकेट में दोस्ती से ज्यादा जेलसी होती है कह सकते हैं अच्छा अगर ये प्लेयर्स क्रिकेटर्स ना होते तो कौन सा प्रोफेशन इनके मिजाज के मुताबिक इनको सूट करता है शाहिद अफरीदी मॉडल आओ इंजमाम हक बिजनेस ठीक है वसीम अकरम वसीम भाई कुछ भी कर सकते हैं हाँ। वसीम भाई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और उनकी हाजिर दमागी भी बहुत ज्यादा है तो वो कुछ भी कर सकते हैं बकारस कमेंट्री uh, मोइन खान uh, मोइन भाई अच्छे लीडर हो सकते हैं बक्तर, एक्टर कह सकते हैं और वो ब्रांड है किसी भी चीज को कर सकता है वो कामरा नकमल कामरा नकमल गुड बैट्समैन उमर अकमल uh, बड़ा मुश्किल करैक्टर कह सकते हैं मुश्किल है यूनस खान टफ तीनों क्रिकेटिंग फॉर्मेट्स में क्रिकेट का सही इम्तिहान किस में होता है वो आप नाम से ले टेस्ट टेस्ट से वो सही टेस्ट है हर चीज़ का टेस्ट है आपका मेंटल फिटनेस डिसिप्लिन एबिलिटी हर चीज़ का टेस्ट है कौन सा प्लेयर है जो हर टूर पे अपनी बीवी साथ लेकर जाता था सईद भाई सईद भाई वाइफ साथ होती थी हाँ क्या भाई? किस कंट्री में जब खेलने जाए तो खिलाड़ियों को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता था जो भी मेरा मतलब पाकिस्तान से बाहर चले जाते थोड़ा मुश्किल ही हो जाता मजे-मजे की बातें यूसुफ भाई के साथ तो चलती रहेंगी लेकिन आपको पता है हमें लेनी होगी एक छोटी सी ब्रेक कहीं मत जाइएगा हम इस तरह जाकर इस तरह आएंगे कीप वाचिंग हट कर दी विद मोमेंट साके वेलकम बैक आ जाएं ऑन स्क्रीन भी और ब्रेक में भी बड़े मजे-मजे की स्टोरी सुना दी यूसुफ भाई ने हमें लेकिन यूसुफ भाई मैं चाहता हूं ज्यादा स्टोरीज जो है ना शो के दौरान ही आप हमें सुनाएं अब मेरा अगला सवाल है कि वैसे तो बड़े काम कंपोज्ड हैं लेकिन एक दफा हरभजन सिंह के साथ बड़ी हैवी लड़ाई होगी छुरिया पकड़ने पे आ गए वो वो तो बताए इनको सुनना चाहते वाकई छुरिया नहीं थी वो बड़े से वो नहीं होते जिसको कहते हैं जिनमें खाना पकाते हैं वो दो, डोया दो, दो, हाँ बड़े डोए थे बड़े तो वो एक 2003 के वर्ल्ड कप में जब सारी टीमें इकट्ठी हुई थी एक कॉकटेल पार्टी थी अच्छा तो उसमें सारी टीमें इकट्ठी थी हम इंडिया पाकिस्तान वाले तो हम पांच-छह प्लेयर इकट्ठे एक जगह पर लगा रहे थे इधर से मैं अफरीदी शकलैन अजहर उधर से, से ड्राइवर था हरभजन था युवराज सिंह था ये सारे हम इकट्ठे एक जगह खड़े बात कर रहे थे तो कोई ऐसी बात हुई तो मैंने उसको जो जैसे पंजाबी में जुगत लगाई वो भी समझता है पंजाबी को अब वो उसको अच्छी नहीं लगी लेकिन उस टाइम वो सीरियस हो गया नहीं उस टाइम वो कर गया अब ये मैच जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ 2003 में तो ये हरभजन नहीं खेल रहा था इधर से सकलैन भाई नहीं खेल रहे थे हाँ। अब सकलैन भाई ने उसको ऐसा पंप अप किया कुछ को जब इनिंग ख़त्म हुई है तो वो मेरे से जब मैं भी लंच पे गया हुआ था वो भी हम दोनों आखिर पे कट अकेले रह गए थे अब ये मेरे पास आया कह तुमने मुझे ये बात की ये कही मैंने कहा वो ख़त्म हो गई बात वहाँ थी तो वो उसने थोड़ी सी लूज टॉक की मैंने वो पकड़ लिया आपने कहा आज नहीं छटना हाँ आप दोनों ने कहा आज नहीं छोड़ना अच्छा लेकिन वो कुदरती सईद भाई वहाँ आ गए सईद भाई ने बचा लिया दोनों को लग सईद भाई आ ये नहीं टंग 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 एक्शन नहीं सईद भाई अपने रेफरी बन गए नहीं नहीं सईद भाई उस टाइम चेंज हो गए होते ना अच्छा तो उन्होंने लड़ाई छुड़वाई हमारी और उन्होंने दोनों को साइड पे किया पहले मुझे उन्होंने कहा इधर से जाओ तो मैं ड्रेसिंग रूम में आ गया फिर उसको भी समझाया बात वैसे खत्म हो गई लेकिन अगर बढ़ जाती तो अच्छा नहीं था दोनों तो को लग जानी थी चोट अगर सईद भाई ना होते तो आज कोई हादसा हो जाता क्रिकेट की दुनिया में आ, दोनों को लग सकती थी क्योंकि अंधाधुन फायरिंग होनी थी अंदाधुन अंदा चलाने तगड़ा तो, मैं तो हो नहीं कि मोहम्मद अली स्टाइल बॉक्सिंग हो रही भाई जब आपने टेस्ट में हाईएस्ट वन ईयर स्कोर का रिकॉर्ड बनाया तो क्रिस गेल ने आगे आपको क्या पूछा था अच्छा अभी रिकॉर्ड नहीं बना था लेकिन ये था कि मैं ऑलरेडी पाँच या छः हंड्रेड कर चुका हुआ था अच्छा तो वो लाहौर में मैच हो रहा था तो वाटर हुआ तो वाटर पे वो आए तीन ये चंद्रपॉल क्रिस गेल और ब्रेवो जो अच्छा। ब्रेवो वो आए तीनों आए मेरे पास तो वो मुझे आ कहते कि हम देख रहे हैं कि जब से तूने दाढ़ी रखी है भाई तू आउट ही नहीं हो रहा <laughs> अगर हम भी दाढ़ी रख लें तो ऐसे खेलेंगे तो मैंने उन्हें कहा ये दाढ़ी तो मैंने इसलिए नहीं रखी कि मैं स्कोर करूँ ये तो आख़रत के लिए है लेकिन पहले कलमा पढ़ना पड़ता है फिर आप ये चीज़ें होती हैं तो लेकिन कहने का मकसद ये, कि में, में ये है कि उनके दिल में दिमाग में ये बात है कि दाढ़ी की वैसे हो भी सकता है अल्लाह कराने को तो पता चले अगले मैच में ग्रिस गेल की इतनी दाढ़ी है वो आए हुए हैं उम्मीद करके कि मैं भी 200 मार दूंगा देखें क्या पता अल्लाह वैसे भी तो करा ही रहे <laughs> अल्लाह आपकी कुछ पिक्चर्स हैं हमारी टीम ने निकाली हम चाहेंगे कि

यंग लेजेंड जो है इसको कब लेके आ रहे फील्ड में आ, ये खेलता है आ, अपना अंडर 19 रीजन खेल रहा है दाने आग, ये उस धर्मशाला कोई दो तस्वीर तो पाँच की, की सीरीज है वाह नेक्स्ट ये कौन सा अवार्ड मिल रहा है वर्ल्ड तो रिकॉर्ड बनाया उस वक्त दिए थे दो हजार के आखिर में दिसंबर में ये उस वक्त दिया था उन्होंने ये एक पॉलिसी है कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे तो गवर्नमेंट कुछ तय क्या बात है नेक्स्ट ये माशाल्लाह कब की पिक्चर है आ, ये भी इंडिया की है आ, ये मेरी बेटी है बड़ी आ, इसकी शादी हो गई है अच्छा अनिका भाई आप तो खुद माशा ऐसे लगता है अभी अट्ठाईस के है और आपकी बेटी की शादी हो गई है जी वो अभी बाईस की माशा हो गई है माशा जी नेक्स्ट ऐसे लग रहा है जॉब इंटरव्यू देने गए हुए हैं कौन मैं इसमें हाँ उसमें ऐसे ही होता था ये कब की पिक्चर है ये मैं ख्याल 98 एट की है नाइनटी एट हाँ और ये डॉक्टर साहब कौन बैठे हैं साथ अच्छा ये मुझे कोई हमारे मैनेजर लग रहे हैं कोई भूल गए आप हाँ सही तरह नजर नहीं आ रहा ये मुझे बुखारी साहब लग रहे हैं मुझे तो और साथ में वसीम है ये हमारे सेलेक्टर थे जो अभी टीम मैनेजर्स के साथ आपकी कैसी बनती थी ठीक थी, वो थी कभी नहीं। को बहुत जाते थे। आप लोगों तो हालात नहीं, नहीं नहीं, तो की वजह से हो गया उस वक्त तो कोई सख्ती नहीं थी वक्त चिल आ, था घूम हाँ, फिर रहे हाँ मर्जी जाए अब तो प्लेयर्स कोई घूम फिर नहीं सकते कुछ तो पहले वो जो दो में वाक हुआ था ये मैच फिक्सिंग का उसकी वजह से सख्ती हुई फिर अपना ये कोविड हो गया कोविड में तो बहुत ही बुरे हालात थे वो तो एक समय ले में। मुश्किल में क्रिकेट खेली है लड़कों ने वो टफ टाइम था हमारे टाइम पे तो बहुत आज़ादी थी कोई मसाला नहीं था टीमें भी पाकिस्तान आती थी हम बाहर जाते थे जहाँ मर्जी जाए घूम फिर रहे हैं इंडिया गए हैं तो निकल गए हैं सड़कों पर अरे उधर इतनी उधर थोड़ा सा होता था कोई साथ सिक्योरिटी जाती थी कहीं जाना होता था वहाँ फिर भी आज़ादी नहीं थी क्योंकि हालात की वजह से कुछ भी हो सकता है तो वहाँ सिक्योरिटी साथ जाती थी लेकिन इंडिया में कैसा वक्त गुजरा जब भी बहुत अच्छा वहाँ जैसे हमारे लोग जब इंडियन टीम्स आती है तो उनको बहुत प्यार करते हैं 2004 में जब आए थे तो हमारे लोगों ने बहुत उनको प्यार किया उन्होंने खुद भी ये दिया था इसी तरह इंडिया हम जब जाते हैं तो वो लोग भी बहुत ख्याल करते हैं बड़ी कदर करते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं प्ले आम लोग जो हैं वो क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो आप आए हमें बड़ा अच्छा लगा बड़ी मज़े मज़े की स्टोरीज़ हमने आपसे सुनी आपको कैसा आपका एक्सपीरियंस राहत कर दी नहीं बहुत अच्छा बड़ा अच्छा आप होस्ट कर रहे हैं और लोगों का इंट्रैक्शन भी था उन्होंने बहुत रेवलेंट क्वेश्चन भी किए हैं और नॉलेज भी है अच्छी चीज़ें पूछी हैं और मैंने भी कोशिश की है कि मैं ऑनेस्ट जवाब दूँ आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं अल्लाह ती आपको इसी तरह हंसता खेलता रखें आप और तरक्की करें आप हमारे बच्चों को जो क्रिकेटर्स बनना चाहते हैं और बच्चियाँ उनको कोच भी करते रहें और हम जब हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत जाए तो आपके साथ सेलिब्रेट भी करें और यही मैसेज आप लोगों के लिए है कि अपनी ज़िंदगी में भी प्यार बांटें, अपनी टीम को भी दुआ दें और हंसते खेलते रहें मैं आपसे मिलूँगा हद कर दी कि अगले एपिसोड में तब तक के लिए अल्लाह हाफ लव यू